नारायण के अवतार हैं और वे शास्त्रों के मूल प्रवक्ता हैं। तो व्यास पूजा का मतलब ये होता है कि व्यास देव की जो बात है उसी को ही दोहराए। तो जो व्यक्ति व्यास देव की बात को दोहराए तो उसका भी जो है सम्मान दिया जाता है और उसकी जो बात है तब पूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण संदेश को अगर दोहराता है तो उसका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो प्रभुपाद ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ये हमारा संदेश नहीं है और ये संदेश हम बनाते नहीं हैं, ये जो संदेश है हम बनाते नहीं हैं, ये संदेश जो है पूर्ण पुरुष से चला आ रहा है और परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। तो प्रभुपाद ने परंपरा के आचार्यों के नाम लिए और उसके बाद फिर अपना नाम लिया कि मैं जो है उसी संदेश को केवल दोहरा रहा हूँ और दोहराने से ही जो मेरा जो कार्य है ये पूरा हो जाता है। और फिर प्रभुपाद ने मनुष्य के ज्ञान में चार प्रकार के दोष बतलाए कि चार प्रकार के दोष हैं, तो इसलिए मनुष्य के द्वारा कोई भी ज्ञान अगर मिलता है तो उसमें त्रुटियां होती हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो अपनी व्यास पूजा का प्रवचन दिया तो वो जो है वाणी की पूरी तपस्या है, जिसमें भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, कि बात ऐसी हो जिसमें किसी को उद्वेग पैदा ना हो, सत्यम और वो सत्य हो, और प्रियम और सबको प्रिय लगे, और हितम और सबके लिए हितकारी हो। स्वाध्यायाभ्यसनम, से स्वाध्याय का अभ्यास, तो जो शास्त्र के संबंध शास्त्र के अनुसार जो बात हो, शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार जो बात हो तो उसे कहते हैं वांग्मयम तप उच्यते, ये वाणी की तपस्या है। तो प्रभुपाद की वाणी में जो है इतना जो है शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वे जो है किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। और जब से मैंने ये विचार करना शुरू किया कि भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, भोर सेना भक्त भोर सेनापति भक्त ताते जो जाए, तो मेरा सेनापति भक्त वो जो है जाएगा, जो भारत को छोड़ करके जो है और धर्म को छोड़ करके जो अन्य देशों में जाएंगे तो मेरा सेनापति भक्त वहाँ जाएगा। तो प्रभुपाद वास्तव में वो सेनापति हैं और वो जो है भारत से अकेले गए, तो सेनापति अकेला गया भारत से और वहाँ पश्चिम देशों में जो है उसने सेना तैयार कर ली। तो सेनापति का जो है इतना बड़ा गुण होता है कि वो जो है जो बेकार से बेकार के लोग हैं तो उनको भी जो है अपना सैनिक बना सकता है। तो जो बिल्कुल बेकार जो सड़कों में पड़े हुए हिप्पी थे और बहुत ही दूषित थे तो उनको भी जो है प्रभुपाद ने जो है अपनी उनसे अपनी सेना बनाई, क्योंकि कोई अपने पुत्र देने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रभुपाद को कोई भी नहीं मिल रहा था जो अपना जीवन समर्पित करे, और प्रभुपाद ने जो है ऐसे हिप्पियों को भी जो है अपना सैनिक बनाया और पूरे विश्व में जो है इस आंदोलन को फैला दिया जो कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, उपसंहार करें सबका। अभी अभी आदेश मिला है क्योंकि सुबह अभिषेक